3, 2, 1, start. इस वीडियो में आप तीन चीजें सीख के जाओगे. So without wasting any more time, let's switch to the B roll. Switch it up. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ग्रेट फोटोग्राफी. माय सेल्फ ध्रुमिल और ये है केविन जो हर बार कैमरे के पीछे होता था बट अब आ गया है कैमरे के साथ क्योंकि ये हमारे चैनल का हाफ पार्टनर है. बिकॉज ऑफ हमारे पास नया कैमरा आ चुका है कैनन का M50 Mark II जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ. ये रहा हमारा ब्रांड न्यू कैनन M50 Mark II जिसमें हम शूट कर रहे हैं और ये ब्लॉग हम इसमें ही बना रहे हैं इसीलिए अब ये कैमरे के पीछे नहीं होगा कैमरे के आगे ही रहेगा और हमारे साथ थोड़ी बकचोदी करेगा. ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मीनिंग मोर टाइम मैं इस वीडियो में तीन चीज़ें सिखाऊंगा. पहली चीज़ ये होगी कि कौन सा गैजेट हमने इस जो बीरोल आपने देखा उसमें हमने यूज़ किया था. दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ देख के बोल भाई कोई बात नहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है. हाँ दूसरी चीज हम आप इस वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि हमने ये वीडियो कैसे शूट किया था. और थर्ड चीज आपको ऐसा होता और एंड तीसरी चीज चांस टू गेट ए प्रमोशन इन अवर TG फोटोग्राफी. ये पहला गैजेट है हमारा मोबाइल गिम्बल जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलती है आप जब शूट करते हो मोबाइल फोन से तो ये आपको स्टेबिलिटी देता है. सेकंड चीज़ है हमारी वन प्लस का फ़ोन जिसमें सोनी का IMX सेंसर लगा हुआ है 586 यस. एंड थर्ड चीज़ है हमारी रिंग लाइट जिससे मतलब जहाँ डार्कनेस होती है वहाँ पर हम रिंग लाइट का यूज़ करके उसके जगह मतलब यहाँ वहाँ जो पिक्चर में क्लियरिटी नहीं आती वहाँ पर रिंग लाइट यूज़ करते हैं जिससे लाइट की वजह से क्लियरिटी खराब. यस सो ये थी बेसिक चीज़ जो हमने गैजेट्स ऐसे यूज़ किए थे मोबाइल फोटोग्राफी मतलब ये मोबाइल से बी रोल उतारा था उससे. अब आप सीखोगे सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने दिखाऊंगा. आपके अभी स्क्रीन पे एक वीडियो आप चल रहा होगा और मैं बताऊंगा कि कैसे ये ट्रांजिशन हमने शूट किया था और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स और कौन से नाटक किए. चलिए तो हमारा पहला वीडियो तो ये था हमारा फर्स्ट एंटरिंग शॉट. इसमें हमने रिंग लाइट का यूज किया था बिकॉज ऑफ उस कोने में लाइट नहीं जा रही थी. तो ये है हमारी प्रो टिप जहाँ पर डार्कनेस आपको दिखे वहाँ रिंग लाइट का या कोई भी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आप क्लियरिटी आएगी वीडियो क्वालिटी में और ये बेहतर बनेगा अपना वीडियो बनाने में. ठीक है तो लेट्स स्विच टू द सेकंड शॉट जो हमारा शॉट था जहाँ से पेंटर अंदर आ रहा था डोर से और वहाँ पर हमने डब्बे रखे थे दो डब्बे वहाँ पर से ऐसे ट्रांजिशन पूरा कंटिन्यू जैसे कि वहाँ अंदर एंट्रिंग हो रहा है जैसे हमने शूट किया था. तो मेक श्योर कि बी रोल जहाँ पर भी बनाओ कहीं पर भी तो कंटिन्यू शॉट होने चाहिए. ये प्रोसेस ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बीच में से काट दिया और आधा पोर्शन कहीं और से शुरू हो रहा है. ऐसा लगना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो जैसे कि चकली खोली पानी पड़ा तो इस टाइप का बी रोल होना चाहिए. यस फिर चकली खोली डायरेक्ट डोल भर दे ऐसा नहीं. यस सो शॉट नंबर 3 जिसमें टिप्स मिलेगी आपको कुछ अलग सी. हाँ तो इसमें आपको ये नई टिप मिलेगी कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना तो पहले घर से परमिशन ले लो कि हम ऐसे कलर डालें नीचे पटके नहीं तो फिर घर वाले आपको पटकेंगे गंदा करने के लिए. आप वो देख सकते हो मतलब तो, जहाँ पर भी शूट कर रहे हो परमिशन लेनी फर्जियात है कंपलसरी मस्ट यू हैव परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स बिकॉज पेरेंट्स के अलावा पे जो भी लोकेशन पे जा रहे हो वहाँ पर भी परमिशन लेनी जरूरी है. हमने 1000 rupees है ना एक लोकेशन पे दिए फोटोशूट के वो भी बिना कुछ कमाए बिना कुछ कमाए हमारे खींचे से पैसे चले गए थे क्योंकि मैंने नहीं दिए थे वो. हाँ चलो कंटिन्यू करते शॉट 3 में उसमें हम हमारा जो था वो था जो था शॉट नंबर 3 से इसमें ये हमारा था जो डब्बा पटकने वाला ट्रांजेक्शन इसमें थोड़ा कहते ना वो धुएं वाला इफेक्ट आना चाहिए था इसलिए हमने कलर को कहते डब्बे के नीचे रखा फिर उस पर डब्बा पटकना. सो पहले हमने हमारी बहन के साथ ये शॉट ट्राई किया था देन वी स्विच टू द मॉडल और फाइनली हमें मिल चुका था एक अच्छा सा क्लिप. हाँ मतलब वो बना हमारे तीसरा नंबर का कंटिन्यू शॉट जिसपे डब्बा गिरा और जो आप देख सकते हो. या
तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, हमने सारे शॉट हमने अपनी बुक में लिख के रखे थे जिससे हम भूल ना जाए और कोई भी ट्रांजेक्शन बीच में मिस ना हो जाए। मतलब शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन ले रहे हो, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए चीज़ों की, नहीं तो फिर आप शूट एरिया में खड़े हो और आपको कुछ सूझे ही ना, वैसा ना होना चाहिए। तो आपको मैं शॉर्ट लिस्ट बता दूंगा आपके स्क्रीन पे, आपको मिल जाएगी क्या क्या हमने कंटिन्यू ट्रांजेक्शन शॉट लिए। तो शॉट नंबर 4 हमारा ये है कि कैसे टेप को उछाले और दोनों का ट्रांजेक्शन। हाँ, इस ट्रांजेक्शन में आपकी और क्या कहते हैं जो मॉडल था उसकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता कि वो जब टेप उछालेगा आपका कैमरा नीचे ही होगा और उसकी टेप ऊपर चली जाएगी तो शॉट आएगा नहीं। तो इसलिए इसमें बहुत सारे ट्रायल लगे थे, इसमें मेरे को बहुत सारे केमिस्ट्री बिठानी पड़ी थी पेंटर के साथ जो हमारे घर पे कलर काम करने आए थे, और उनसे हमने परमिशन लेके उनके साथ ही पूरा बी रोल शूट किया था। तो ये प्रो टिप है, कहीं भी जाओ केमिस्ट्री बिठाओ किसी के भी साथ भी, अच्छा बनेगा, अच्छा रहेगा। टिप नंबर 5 विद शॉट, टिप नंबर 5 विद शॉट नंबर 5 ये है हमारा टैपिंग टिप ट्रांजैक्शन। टिप नंबर 5 विद शॉट नंबर 5 ये हमारा टैपिंग टिप जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू लर्न योर ट्रांजिशन, नहीं लर्न योर ट्रांजिशन। पर हमारी गलती ये हुई थी कि हम टैपिंग टेप को खोल रहे थे और हमारा कैमरा था उसको हम उसके साथ ऐसे सामने ला रहे थे, उसके साथ ही ऐसे जा रहा था, बट एक्चुअली ये ट्रांजिशन में कैमरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब टेप खुल रही है तो फिर उसको कैमरे के साथ ऐसे ऐसे जाना चाहिए उसके सामने, टेप के सामने, तभी जाके आपको फाइनल अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो यही था लर्न योर ट्रांजिशन के टिप में। सो टिप नंबर 6 विद शॉट नंबर 6 एक्सपीरियंस पर्सनालिटी। तो इसमें हमें क्या कहते हैं टेपिंग के लिए कैसा इंसान चाहिए था जिसको टेपिंग अच्छे से आती हो, क्योंकि हमारे मॉडल को उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो इसमें हमने गोविंद लाल को इस्तेमाल किया था जो हमारे पेंटर है, मतलब मेरे से घर पे मेरी दीवार चल रही थी इसका पेंटिंग का पूरा काम उन्होंने ही किया है। तो इनमें मतलब उनका करीबन 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो इस उनका इस्तेमाल करके हमने ये टेपिंग वाला ट्रांजिशन उनके पास से करवाया। तो कोई भी ऐसी पर्सनालिटी हो उसको अपने साथ जरूर रखिए। ये थी हमारी फनी टिप, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बीरल। शॉट नंबर 7 तो ये था हमारा शेकिंग शॉट। इसमें भी आपकी केमिस्ट्री आपके मॉडल के साथ अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप ऐसे कैमरा लेके वो अपना कलर का डब्बा ऐसे हिला रहा है तो उसके साथ आपका कैमरा भी हिलना चाहिए, नहीं तो कलर का डब्बा आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है। इसको करीबन हमने बहुत सारे शॉट लेने के बाद हमको फाइनल अच्छा रिजल्ट मिला था। और तो आप भी ऐसे टिप्स जरूर लिख दीजिए या याद कर लीजिए कि केमिस्ट्री इज वेरी परफेक्ट फॉर ट्रांजिशन। तो इसके बाद हमारा कंटिन्यू हुआ था शॉट नंबर 8 जहाँ पर हमने वो डब्बे में से कलर निकाला था और बकेट में डाला था। तो वहीं पर ये इसमें कोई टिप्स बीस होती नहीं है, वो तो आप जनरली भी कर सकते हो। तो शॉट नंबर 9 तो ये था हमारा रोलर इफेक्ट। इसमें आपकी केमिस्ट्री आपके मॉडल्स के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप ये ट्रांजिशन बना पाते हो, क्योंकि आप अपने सामने देख लोगे कि एरर कितनी आ रही थी, वो उल्टा घुमा रहा था फोन, हम सीधा घुमा रहे थे, तो फाइनली हमें एक अच्छा सा वीडियो मिला था। इसमें टिप्स यही है कि सर्कुलर मोशन में पूरा आप ले सकते, ये शॉट आपके मॉडल के क्या कहते हैं दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए उसके लिए। तो शॉट नंबर 10 जिसमें कोई प्रो टिप है नहीं बिकॉज ये सिंपल शॉट था। आप देख सकते हो कि कैसे नॉर्मल सिर्फ थोड़ी केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी, इसमें ये शॉट आ गया। ट्रांजेक्शन नंबर 11 तो इसमें टिप्स ये है कि कोई भी मतलब गैजेट यूज कर रहे हो भले वो वाटर प्रूफ हो तो भी आप अच्छे से उसको कवर करे हो, प्लास्टिक का मतलब कवर कर उसे दो, अच्छे से प्रोटेक्ट कर दो जिससे वो आगे के शॉट में भी काम आए, वो आपका लास्ट शूट ना बन जाए। हाँ, जैसे हमने इस बार हमारे पास 1+70 था, वाटरप्रूफ होने से अलावा भी हमने उसके ऊपर प्लास्टिक का पूरा कवर लगा दिया था, सेलो टेप मार दी थी जिससे कि वो बिगड़े नहीं। फिर भी मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो कलर टक 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 टक। तो इसी तरह आपको शॉट नंबर 11 में हमने बकेट के अंदर फोन को रखा था और उसके ऊपर से हमने कलर के वो रोलर में से छींटे गिराए थे जिससे वो ड्रॉपिंग शॉट अब साउंड इफेक्ट आपको मिलेगी, मतलब फील होगा कि वेट फॉर अ ड्रॉप लाइक चुम टम क्या बोलते हो उसको टिपुक टिपुक।
शॉट नंबर 12 एंड 13 जिसमें हमने मतलब रोलिंग शॉट था, मतलब बॉल पे ऐसे रोली करना था, नॉर्मल शॉट था, कोई प्रो टिप इसमें था नहीं, इसलिए आप देख सकते हो फ्रेंड्स। हाँ, इसमें कोई प्रो टिप नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री बिठानी है रोलर के साथ, सभी जगह केमिस्ट्री बिठानी है, ये ध्यान रखना। हाँ। ये प्रो लेवल अप लकी दो, मतलब केमिस्ट्री जहाँ बिठा हो वहाँ आपका केमिस्ट्री यानी व्यवहार अच्छा बने सकते हैं। ठीक है, तो शॉट नंबर 12 एंड 13 यही खत्म होता है। तो शॉट नंबर 14 लास्ट ट्रांजिशन लास्ट पागलो शॉट नंबर 14 लास्ट ट्रांजिशन लास्ट प्रो टिप। तो ये था हमारा बियॉन्ड द मिरर शॉट। इसके लिए मिरर हमको हमारे घर से मिल गया था, इसके लिए आपको सिर्फ व्हाइट प्लेन मिरर ही चाहिए था जो थोड़ा ब्लर इफेक्ट दे। तो इसमें प्रो टिप ये है कि हमने सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमने इस ट्रांजिशन में जितने भी हमारे घर पे पेंटिंग करने आए थे उनको बुलाया, दोनों को कहा कि भाई पकड़ के रखो क्या कहते हैं मिरर, मिरर को पकड़ के, और मैं ऐसे कैमरे को बस ऐसे मोबाइल को ऐसे रख के उनके सिंपल शॉट था, वो रोलर ऊपर घुमा रहा था और बन गया है कैसा वॉल पे लग रहा है रोलर वैसा वाला शॉट। ये था एंडिंग शॉट जहाँ पर पूरा रोलर से कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है। तो यहीं पर हमारा लाइव डेमोंस्ट्रेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको कोई भी क्वेरी हो हमसे या कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी हमारी दिख रही होगी तो इसमें आप हमको DM कर सकते हो, वहाँ पे हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रुको भाई, अभी खत्म मत करो, अभी थर्ड जो हमने कहा था स्टार्टिंग चांस टू गेट ए प्रमोशन, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाके आप हमें DM कर सकते हो। अगर आप भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो गए तो जरूर से हम इस आईडी पे मतलब इस पेज पे द ग्रेट फोटोग्राफी में आपको मतलब आपका कंटेंट शेयर करेंगे, आपको चांस देंगे, आपकी क्या कहते हैं वो पोस्ट को हम प्रमोट करेंगे जिससे आपको इंस्टाग्राम में अच्छी सी रीच मिल सके, जिससे आपके अच्छे से रीच मिले, एंगेजमेंट मिले और अच्छे अच्छे फॉलोअर्स गेन हो सके। ठीक है, तो यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है, और मेक श्योर कि हम टारगेट रखते हैं, इस बार टारगेट ये होगा कि 300 सब्सक्राइबर, यस 300 सब्सक्राइबर हम आप हमको दो। हाँ यस, और हमारे मिनिमम 50 लाइक चाहिए हमको, 50 लाइक 50। अगर आप नए हो इस चैनल पे और आपको ये वीडियो पसंद आया तो कब तक ऐसे देखते रहोगे यार, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, नीचे आपको लाल बटन मिल जाएगा वहां जाके दबा दो सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब किया तो कर चुके हो तो उसको कुछ करो मत, शुक्रिया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करना मत भूलिए क्योंकि कमेंट से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, अलग अलग ऐसे मतलब वीडियो बनाते रहते हैं, और ये भाई आ चुका है कैमरे में तो ऐसी बकचोदी तो चलती रहेगी हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे। करो आओ जो